हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वर्मा एजुकेशन। एंड आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग दैट के एमसीसी की काउंसलिंग जो है ना, नर्सिंग की, एमबीबीएस की, बीडीएस की, तीनों अभी करेंटली चल रही है, ठीक है। बट यहाँ पर हम लोग को काउंसलिंग के रिगार्डिंग जो था ना, बेसिकली बोला गया था दैट कि 16 अगस्त को आप 11:55 के बाद आप जो है ना काउंसलिंग कर पाओगे, ठीक है। देख सकते हो यहाँ जो चॉइस फिलिंग है या फिर लॉकिंग है, 16 से 20 अगस्त तक आप कर पाओगे, ठीक है। तो ये 4 दिन का टाइम मिलता है जहाँ पर आप चॉइस फिलिंग कर पाओगे। तो आज है 16 अगस्त, बट आज अभी तक हम लोग को पोर्टल में कोई भी, मतलब क्या कह सकते हैं दैट कि अभी तक हम लोग को रजिस्ट्रेशन या फिर लॉगिंग करने के बाद हम लोग को कोई भी मतलब देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो कब ये स्टार्ट होगा? आज 3 या 4 बजे के बाद स्टार्ट हो सकता है चॉइस फिलिंग। और जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता रखा है, नर्सिंग का कौन सा कॉलेज बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए है, वो वीडियो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लो। जिन लोगों को भी काउंसलिंग करवाना है ना वर्मा एजुकेशन के थ्रू, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वहाँ से आप चेक कर लेना। तो आज आप 3 या 4 बजे के बीच आप काउंसलिंग के लिए चॉइस फिलिंग कर पाओगे, जिसने इसने फ़ी पेमेंट कर दिया है। फ़ी के बारे में ऑलरेडी बता रखा है कि 5500 OBC SC ST को लगेगा और EWS और जनरल को 11,000 लगेंगे, ठीक है। तो आप पेमेंट करने के बाद ही चॉइस फिलिंग कर पाओगे। चॉइस फिलिंग के बाद का जो लास्ट प्रोसेस होता है वो चॉइस लॉकिंग होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चलना होगा, ठीक है। एंड आफ्टर दैट वेट करना होगा मेरिट लिस्ट का, ओके। तो ये था आज का अपडेट, और जिन लोगों को भी काउंसलिंग करवाना है वो लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, डिस्क्रिप्शन में नंबर आपको मिल जाएगा।